पार्लियामेंटेरियंस की बड़ी अहमियत है, आप सब की अहमियत है। जिस तरह हमने बड़े मुश्किल ये 3 साल में 2 महीने अभी रह गए हैं, मैं ये क्लियर कर दूं, ये ना कहें 3 साल हुए, अभी 3 साल में 2 महीने रह गए। इसका मतलब मैं क्यों ये कहता हूँ, क्योंकि अभी 2 महीने में और बहुत काम आपके सामने आ जाएंगे, तो 3 साल में शक्ल बदली होगी। अब 2 महीने पहले तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज बजट में इस तरह का बजट आएगा, तो इसलिए हर एक मुश्किल वक्त से हम शुरू हुए। जो एक हार्ड वर्क किया था, एक मुश्किल इकॉनमी मिली थी, एक नई टीम ने काफ़ी स्ट्रगल करके आहिस्ता आहिस्ता अब आपका अपर हैंड आ गया है। अब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये अगले 2 महीने तक जब हमारे 3 साल कंप्लीट होंगे तो और आप मजबूत और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जो हमने कोशिशें की थी रिफॉर्म्स की इकॉनमी के अंदर, अभी भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में जो कोशिश करते जा रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता अब उस तरफ जा रही हैं जबकि लोगों को रिजल्ट्स नज़र आएंगे। और मैं इसके अंदर अपनी इकॉनमी की टीम को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। एक बैंकक्रप्ट इकॉनमी, मकरूज मुल्क, एक घर के ऊपर कर्जे चढ़े हों, किरायादार हर तरफ से पैसे मांगने आ रहा हो, कभी कोई सब्ज़ी वाला, कभी किराए, कभी स्कूल के पैसे, उस माहौल के अंदर एक सर्वाइव करना, फिर स्टेबलाइज़ करना और फिर 4% ग्रोथ रेट दिखाना, ये बहुत बड़ी हमारी सारी इकॉनमी की जो टीम थी उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मैं जितने भी हमारी टीम ने शिरकत की है यहाँ तक पहुँचने की, मैं आज अपनी कौम की तरफ से आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक इशू रह गया महंगाई का, और महंगाई का बड़ा सबसे ज़्यादा तकलीफ दह इशू इसलिए है कि आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर होती है उससे, और वो भी खाने पीने की चीज़ों में, तो ये भी एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज रहा है। इसके अंदर भी हमने कई चीज़ें सीखी हैं और आप इसमें भी देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम काबू पा जाएंगे। इसमें जो सबसे बड़ा मसला हमें हुआ वो ये कि पाकिस्तान जो अब तक खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट करता था, वही पाकिस्तान को अब चीज़ें इम्पोर्ट करनी पड़ गई हैं। हमारी आबादी तेज़ बढ़ गई है कि इसके बावजूद कि हमने रिकॉर्ड 3 फसलें पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड थी, चावल, मकई और गंदम, और जो गन्ना था वो सेकंड हाईएस्ट था पाकिस्तान की तारीख में जो इस बारी प्रोडक्शन हुई है, उसके बावजूद हमें इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारी आबादी इतनी तेज़ी से फैल चुकी है और इतनी बढ़ चुकी है कि हम अनफॉर्चुनेटली हम अब इंपोर्टर बन चुके हैं। इसके लिए भी आपके लिए आप एग्रीकल्चर के लिए एक नया एक प्लान लेके आ रहे हैं कि जो हमें हम अपनी प्रोडक्टिविटी अब बढ़ाएं, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने रियलाइज़ किया है कि जब तक हम इसके ऊपर अब तवज्जो नहीं देंगे आगे ये मज़ीद और प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, हम अपने लोगों के लिए इतना ना अनाज पैदा कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें और ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करना पड़ेगा और वो हम कर रहे हैं। अब सिवाय चावल के गंदम हमें इम्पोर्ट करनी पड़ी, हमें दालें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, हमें जो सबसे बड़ा मसला है कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल, वो अब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं इसका अनफॉर्चुनेटली जैसे और सारी दुनिया में इनकी कीमतें ऊपर चली गई हैं। मेरे ख़्याल में आपको ये बता सकेंगे खुसरो, आप बता सकेंगे कि इन सारी चीज़ों की कमोडिटीज़ में पिछले 40 साल में इनकी कीमतें इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं, तो ये हमारे लिए मसला है। दूसरा हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो किसान उगाता है अपनी पैदावार होती है और उसके अंदर और जो रिटेल में बहुत बड़ा फ़र्क है, और इसके लिए भी अब हमने एक नई सिस्टम लेके आए हैं और ये चाइनीज करते हैं अब ये कि इन्होंने वर्चुअल मार्केट्स बना दिए हैं कि जो किसान को डायरेक्टली रिटेलर के साथ उन्होंने कनेक्ट कर दिया है, तो बीच में इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रही है अब तक, ताकि जो बेचारा किसान को पैसे भी पूरे नहीं मिलते और उधर दूसरी तरफ जो कि शहर में और जो चीज़ें ख़रीदते हैं वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर
प्रॉफिट 300-500% प्रॉफिट मार्जिन है, तो उसके लिए भी अब हम ये जो बीच में गैप है ये इसके लिए पूरा प्लान कर रहे हैं। ये हमारा असल मसला जो रहा है अभी भी है महंगाई का, इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आ रहा है, वो आपको एक एहसास प्रोग्राम है। सानिया निश्तर ने पूरा 90% सारा डेटा पाकिस्तान का इकट्ठा कर लिया है, तो हम डायरेक्टली नीचे 46-46% लोग जो निचला तबका है उसको आप डायरेक्ट सब्सिडी दिया करेंगे। ये एक बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है, और वो आपको बाकी तो शौकत तरी ने बता ही दिया कि जो हमारी एक 4 मिलियन हाउस होल्ड्स को, जो गरीब हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए हम एक एक घर के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ये भी रेवोल्यूशन है इंशाल्लाह, ये आप देखेंगे अनफोल्ड होते हुए। तो मैं आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो मुश्किल वक्त था, मैं आपको बड़ी पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि वो माशाल्लाह वो अब हमारे पीछे रह गया, आगे अब आपको इम्प्रूवमेंट्स और रिफॉर्म्स नज़र आती रहेंगी। क्योंकि जब रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, रिफॉर्म्स का मतलब ही ये होता है कि जब आप चेंज लेके आते हैं तो कोई लोग जो कि एक सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं, तो वो हर किस्म की रिफॉर्म को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम माफियाज़ कहते हैं। माफियाज़ वो होते हैं जो एक सिस्टम का फ़ायदा उठा रहे होते हैं करप्ट सिस्टम से, तो वो उसको अपनी प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी कोशिश करते हैं। तो जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होती, वो उसके लिए रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर जगह रेजिस्टेंस मिलती है। अभी एक MTI रिफॉर्म्स आई है हॉस्पिटल्स की, अब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल ठीक हो ही नहीं सकते जब तक ये रिफॉर्म नहीं हम करते। वो क्यों, वो सिंपल, मैं ज़रा आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आ गए। अब हमें 3 साल में 2 महीने कम रह गए हैं, कोशिश करते रहे हैं MTI रिफॉर्म्स करने के लिए, यानी हॉस्पिटल रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन इतनी रेजिस्टेंस है इसके ऊपर। और ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को वो मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाए जो प्राइवेट हॉस्पिटल में है, यानी सजा और जजा हो जाए जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्यों, प्राइवेट हॉस्पिटल बेहतर इलाज करता है, वहाँ अगर कोई काम करता है तो उसको ऊपर उसको प्रमोशन मिलती है, जो नहीं करता उसको निकाल देते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये नहीं है, इसलिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का सारा सिस्टम बैठ गया है उसको ठीक करने के लिए मैनेजमेंट सिस्टम चेंज करना चाहते हैं कि उनका भी सजा और जजा का सिस्टम हो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब 3 साल में 2 महीने कम है, अभी तक हम लगे हुए हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इतनी रेजिस्टेंस है इसके लिए। और फिर ये जो PMC इन्होंने निकाला है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इनकी स्टैंडर्ड ठीक की जाए। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अगर आप डॉक्टर्स को सही माने में ट्रेन और उनकी स्टैंडर्ड नहीं होगी तो सोचेंगे डॉक्टर्स लोगों की ज़िंदगी मौत के फैसले करते हैं। लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में 3-4 साल पहले जो कार्डियोलॉजी की इंस्टीट्यूट थी, जो हार्ट की इंस्टीट्यूट थी, उसकी मोर्टेलिटी रेट यानी 100 अगर मरीज जाते थे 24 मर जाते थे। तो उसके ऊपर वो लेडी रेडिंग हॉस्पिटल ने उसको निकाला, उनकी उनका MTI उनका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था, उन्होंने उसको निकाला, वो जाके स्टे ऑर्डर ले आया। अब खुद सोच ले कि कैसा वो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का डॉक्टर होगा जो 24 मरीज मर जाते हैं 100 में से। सो इसलिए इसकी रिफॉर्म्स चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं वो बेचारे उनकी सोता कोई नहीं है। और इस रिफॉर्म्स के लिए इतनी मुश्किल पड़ रही है, वो जो PMC ऑर्डिनेंस भी था उसको भी चेंज करके हॉस्पिटल्स की, मेडिकल कॉलेजेस की स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि वहाँ बड़े 2 नंबर मेडिकल कॉलेजेस बने हुए हैं जो डिग्रीज देते हैं, जिससे हमारी आपको पता है बाहर डॉक्टर्स की वो अब मानते नहीं हैं। कई जगह पर हमारी पता नहीं सऊदी अरेबिया में 5,000 डॉक्टर्स को उन्होंने काम की डिग्री नहीं मानते, तो इसलिए कोशिश की जा रही है, उसको रेजिस्टेंस मिल रही है मेडिकल कॉलेज। मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये जब आप रिफॉर्म करने जाते हैं, या तो एक ही सिस्टम चलाते जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप रिफॉर्म करेंगे, रिफॉर्म्स के लिए एक मज़बूत गवर्नमेंट की ज़रूरत है। और मुझे खुशी ये है कि जो हमारा सबसे बड़ा हमारे अगेंस्ट शुरू से उन्होंने कहा नाहल गवर्नमेंट है और इसको समझ नहीं है और इनको कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की इस वक्त इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है अगर आप इवेल्यूएट करें
सारी दुनिया के अंदर मुल्कों में जो कि कोरोना के सिचुएशन से गुजरी हैं उनकी कंपैरिजन करें, आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जो कोरोना के बावजूद जिसने 4% ग्रोथ रेट और बड़े मुश्किल वक्त में 4% जिसकी आज ग्रोथ रेट है। तो मैं आपका फिर से आज आपको खुश आमदेद कहता हूँ यहाँ, और आपका ये जो 3 साल में 2 महीने रह गए हैं इसमें जो भी आपने हर सिचुएशन में मुश्किल वक्त में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हर जगह जब आप सारे आप खड़े हुए हैं, आप सब का भी शुक्रिया करता हूं और अपने एलाइज़ का, ख़ास तौर पे मैं अपने एलाइज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हर मुश्किल वक्त पे आप हमारे साथ खड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।